देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, तो दूसरी ओर घने कोहरे ने रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगभग ब्रेक लगा दी है। रविवार यानी 14 जनवरी को दिल्ली NCR में इस कदर घना कोहरा छाया हुआ है कि 10 मीटर दूर भी दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के साथ राजधानी दिल्ली में पड़ रही हार कपा देने वाली सर्दी के बीच घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली NCR के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह 6 बजे दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो इस मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी भीषण सर्दी रहेगी, लेकिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी नजर आएगी। आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आपको बता दें कि 5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। IMD के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में घने से घने कोहरा रहने की संभावना है। इसके साथ ही ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगले 4 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में कोल्ड से लेकर सिवर कोल्ड भी रहने की आसार है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, तो यहां कई क्षेत्रों में तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंच गया है, जिसके कारण पानी जम जा रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर से पूर्वी तक घना कोहरा, कई ट्रेनें लेट होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पर कोहरे की एक परत दिख रही है, जो पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है। घने कोहरे का असर रेलवे सेवाओं पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में घने कोहरे की वजह से गीता जयंती एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल, गोरखधाम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर स्पेशल, केरल एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस कई घंटे की देरी से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज की सुविधाएं भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित दिखाई दे रही है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोगों को 10 मीटर तक भी कुछ साफ से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप दूर दराज का सफर कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी है तभी सफर करें, वरना सफर करने या फिर बाहर आने जाने से बचे। काफी ठंड है, गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।